खेत किसान और नौजवान के हक की लड़ाई हम लड़ेंगे। झारखंड को विस्थापन के दंश से हम बाहर निकालेंगे। कांग्रेस पार्टी बंदूक चलाना जानती है और झारखंड की छाती को छलनी करने की इनकी आदत रही है। झारखंड आंदोलनकारियों की छाती में गोली चलाने वाली पार्टी है कांग्रेस, ये इनका काला सच है। पिछड़ा विस्थापन और बेरोजगारी सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। इस पार्टी से राज्य के विकास की उम्मीद रखना बेमानी है। इनके लिए विकास का कोई मापदंड नहीं है, न ही विकास इनके लिए कोई मायने रखता है। उक्त भारतीय पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने प्लस टू हाई स्कूल फुटबॉल मैदान में आयोजित बड़का गांव विधानसभा स्तरीय चूला प्रमुख सम्मेलन शाह शपथ ग्रहण समारोह में कही। मौके पर विधानसभा क्षेत्र के हजारों चूला प्रमुखों ने अपने पद की शपथ ग्रहण की है। बड़का गांव की जनता ने जिस परिवार के माँ बाप और बेटी को विधायक बनाया, आज वही शक्ति लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है। राज्य सरकार जनता की भावनाओं पर राजनीति कर रही है। सरकार ने राज्य की बड़ी आबादी के साथ धोखा किया है। जनाकांक्षा हमारी प्राथमिकता है। हमारी तैयारी जमीन के मालिक को उसका उचित हक और अधिकार दिलाने की है। सिर्फ मुआवजा नहीं बल्कि मुआवजा के साथ नौकरी और शेयर भी बात होगी। जमीन के मालिक भी अपने होंगे और कंपनी के अंदर काम भी अपने लोग करेंगे। हमने राज्य के भीतर एक जवाबदेह संगठन तैयार किया है। जनता के दुख दर्द से रहने वाले राजनीतिक दलों को चूला प्रमुख की अवधारणा कभी समझ नहीं आ सकती है। बड़का गांव के सम्मानित जनता का बहुमूल्य वोट इस बार बेहतर भविष्य के लिए होगा। आपका फैसला 25-30 साल के इतिहास को बदल देगा। मौके पर पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष सह गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार 7वें आसमान पर है। मुफ्त बिजली देने की बात करने वाली सरकार दिन में 10 घंटे भी बिजली नहीं दे पा रही है। इन्होंने सरकारी पदाधिकारियों का आचरण ही बदल दिया है। इस दौरान पार्टी के केंद्रीय महासचिव रोशन लाल चौधरी ने कहा कि नियोजन विस्थापन और स्थानीय नीति बनाने का वादा कर सत्ता में आई सरकार ने अपने वादों को भुला दिया है। वादा खिलाफी के नए कीर्तिमान बनाने वाली इस सरकार को जनता ने सत्ता से बेदखल करने का मन बना लिया है। बड़का गांव के विकास को कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के चलते रोक दिया है। अपना और अपने परिवार का विकास ही उनकी प्राथमिकता रही है। क्षेत्र की जनता अपने मत से इतिहास रचेगी। हमारा चूला प्रमुख सम्मेलन था। सम्मेलन में आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर को हम लोग परिवार के प्रति जवाबदेह बनाते हैं। पार्टी की जवाबदेही 10 परिवारों को निहित और सीमित एकदम करने की तैयारी हमारा रहती है, जहाँ पर हजारों महिलाओं और पुरुषों को यह जवाबदेही दी जाती है। निश्चित रूप से ये कहानी खुद इस सरकार ने लिखा है। अपने 400 पेज की पोथी को केवल उलटने से इस सरकार के बारे में लोगों का जो अंदाज है वो बदल चुका है। हेमंत सरकार पर आरोप लगाया ओबीसी और आदिवासी को लूटने का। नहीं, मैंने कहा कि जो निर्णय चाहे आदिवासी के पक्ष में हो, शेड्यूल कास्ट के पक्ष में हो, ओबीसी के पक्ष में हो, ना इन्होंने सामाजिक न्याय पर जोर दिया, ना ही इस राज्य में नौजवान बेरोजगार या विस्थापन जैसे महत्वपूर्ण विषय जो इस राज्य के सबसे ज्वलंत विषय हैं, इस पर सरकार ने चुप्पी साध ली। हमारा रीजनल दल के रूप में हमारा अपना मैनिफेस्टो आने वाला है। मैंने कहा कि हमारा समझौता का आधार इस राज्य की बुनियाद और बुनियादी समस्या होगा और हम उसको लेके आ रहे हैं। भी सभी लोग उस गंगा में डुबकी लगाएंगे इस चुनाव में।